हम हैं लाजवाब क्विज कंपटीशन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। शाबाश, अच्छा खेल रहे बेटे आप लोग, बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। ताली बजती रहना चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। सातवीं ए से पहला सवाल साइंस का, जो चिट्ठी उठेगी वो। सोलहवां सवाल, तने पर तरतीब के लिहाज से पत्तों की कितनी किस्में हैं? तने पर तरतीब के लिहाज से पत्तों की कितनी किस्में? आवाज कम, ये वाले इतनी जोर से डिस्कस नहीं करना है। सवाल एक को लो, जवाब चार। चलो अठारहवां क्वेश्चन, सातवीं बी से अठारहवां क्वेश्चन, जड़ का जमीन से लगा हुआ हिस्सा कैसा होता है? मोटा। वेरी नाइस, बर्जस का जवाब, मोटा होता है, जोरदार डाली। तीसरी चिट्ठी सातवीं सी के लिए, नहीं ये चिट्ठी आपने इसमें डाली, हो गई थी ना? नहीं हुई, ठीक है। सत्रहवां सवाल सातवीं सी के लिए, कूल का कौन है? बैजेदान। वेरी नाइस, जोरदार डाली, बैजेदान। क्वेश्चन सातवीं ए से हो रहा है, तेरहवां नंबर, दो डाला नबातात की जड़ कैसी होती है? दो डाला नबातात की जड़ कैसी होती है? रेशेदार। जी नहीं, गलत जवाब। अब इनको चांस दिया जाएगा, ख्याल रखिए सर। सातवीं बी ने दिया, बोनस का एक नंबर सातवीं बी के लिए, पांचवा बोनस पॉइंट मिला है सातवीं बी के लिए, बेहतरीन स्टडी। दूसरा हो गया ना सर, ये इनको चढ़ा ना, सातवीं सी, बी बी, सातवीं बी के लिए, सातवीं बी के लिए छठा नंबर बोनस का पॉइंट सातवीं बी को मिला, छठा नंबर निकला है। छठे नंबर वाला सवाल, बर्फानी इलाकों के हैवानात कौन कौन से हैं? सातवीं बी, बर्फानी इलाकों के हैवानात, सफेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी। वेरी नाइस, ताली बजाइए। दो नंबर सही जवाब, यहां पर और लिखा हुआ है यॉर्क, खुद भी रीच, सफेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, लेकिन जवाब सही माना जाएगा, दो नंबर दिए जाते हैं, ताली बजाइए। सातवां, बर्फानी इलाकों के नबातात के नाम बताइए। सातवीं सी, देवदार, सनोबर। वेरी नाइस, जोरदार डाली, देवदार, सनोबर, जोरदार डाली, बर्फानी इलाकों के ये नबातात है। सातवीं ए के लिए चार नंबर, हम हैं लाजवाब क्विज कंपटीशन। जिन बीजों के दो मसावी हिस्से हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दो डाली नबात। वेरी नाइस, ताली बजाइए। दो डाला बीज, ये दो डाला नबात, ठीक है। जेरगी किसे कहते हैं? जेरगी, जी हाँ, अमले जेरगी किसे कहते हैं? टाइम स्टार्ट कीजिए, जिसको आ रहा हो ले लो, खामोशी का मुजाहरा रखिए। सबसे बुरी आदत यही है कि वो किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए। अमले जेरगी किसे कहते हैं? ऑडियंस तैयार रहे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल ऑडियंस की तरफ आएगा, ये दोनों के बाद ये सवाल उसकी तरफ ट्रांसफर होगा जब मैं स्टार्ट बोलूंगा। अगर जवाब आता है तो स्टिक बजाइए, जवाब आता है तो स्टिक बजाइए। स्टार्ट, सातवीं सी, जीरो डाल फटकर कलगी पर गिरता है उसे अमले जेरगी। वेरी नाइस, पहला बोनस पॉइंट सातवीं सी के लिए, सातवीं सी के लिए पहला बोनस पॉइंट। चलिए सातवां, जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रूटे होती है उन्हें क्या कहते हैं? जड़ बाल। वेरी नाइस, सही जवाब, दो नंबर। अगला सवाल, तने के सिरे को क्या कहते हैं? तने के सिरे को क्या कहते हैं? टाइम स्टार्ट कीजिए सर।
हम है लाजवाब क्विज कॉम्पिटिशन। कोशिश कीजिए। बोलिए अब्दुल्ला, बोलिए। जड़ टोपी। जी नहीं, गलत आंसर। सी और सी को दिया जा रहा है तने के। स्टार्ट। सी ने बजाया है। अखवा। जी नहीं, रॉन्ग जवाब। चलिए ऑडियंस की तरफ। सातवीं क्लास का कोई भी बच्चा जवाब देगा सबसे पहले सर की जानिब से इनाम दिया जाएगा उसे। तने के सिरे को क्या कहते हैं? यहाँ जो जवाब आया है हम वही जवाब लेंगे, अब नहीं मिलेगा चांस। हाँ, सातवीं ए बी सी ऑडियंस में से मुख्तार सर, देखिए कौन हाथ उठाता है सबसे पहले। तने के सिरे को क्या कहते हैं? स्टार्ट। एक भी नहीं। वेरी नाइस, सही जवाब। सर की जानिब से इसे इनाम दिया जाए। मुनीर सर से गुजारिश करूंगा मैं कि सातवीं ए के तालिबे इमरान को इनाम से नवाजे। जोरदार ताली बजते रहने चाहिए ना, ये ग्रुप की बजाएगा ताली। अब बी को। तीसरा सवाल, सातवीं बी से, काजू जैसे फलों में बीज कहाँ होते हैं? सातवीं बी जवाब देगी, काजू जैसे फलों में बीज कहाँ होते हैं? बाहर से। ठीक है, सही जवाब। बैरूनी जानी यानी बाहर से। जोरदार डाली। दो नंबर सवाल, सातवीं सी से, बातें नहीं करेंगे आप। वर्षे के किनारे को क्या कहते हैं? वर्षे के किनारे को क्या कहते हैं? वर्षे के किनारे को क्या कहते हैं? डिसिप्लिन बरकरार रखे। जवाब नहीं बोलेंगे आप लोग। इधर लिखा हूँ मैं। चलिए बी को चार्ज दिया जा रहा है। पत्ते का आशिया। वेरी नाइस, सही जवाब। छठा बोनस पॉइंट सातवी बी को। जोरदार ताली तो बजती है। पांचवा सवाल चल रहा है, तीनों ग्रुप से होगा। पहले सातवी ए पर। नौवां सवाल, मकई के पत्ते में कौन सी रगियत पाई जाती है? मकई के पत्ते में कौन सी रगियत पाई जाती है? सातवी ए के लिए सवाल है। साइंस का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ये तीनों ग्रुप के लिए। हम हैं लाजवाब क्विज कंपटीशन। चुका है सातवीं ए का। ये सवाल इन दोनों में ट्रांसफर किया जाएगा। सातवीं बी। मुतवाजी। वेरी नाइस, सातवां सही जवाब। बोनस पॉइंट सातवां। नदीम सर अगर मैं सही कह रहा हूं तो सातवां बोनस पॉइंट सातवीं बी के लिए। शुक्रिया। जोरदार टाली सातवीं बी के लिए। मैंने याद रखा हूं कितने बोनस मिले हैं सातवीं बी को। बी का सवाल, पांचवा सवाल, इधर ऑडियंस में भी बताना है। पांचवा सवाल, जड़ की दो अहम किस्में कौन सी है? रेशेदार जड़ और असल जड़। वेरी नाइस, सही जवाब। दो नंबर सातवीं बी को। अब सवाल सातवीं सी के लिए। उधर भी बताओ। ग्यारहवा सवाल, रेगिस्तान के इलाकों में पाई जाने वाली नबातात कौन सी है?
रेगिस्तान बबूल नागफनी। जोरदार डाली, सही जवाब बबूल नागफनी। अब ये साइंस का सब्जेक्ट खत्म होता है, अब आखिरी सब्जेक्ट सातवीं का इस ग्रुप का तारीख जुग्राफिया शहरियत स्टार्ट होता है। सेकंड थर्ड उर्दू मैथ साइंस में अभी भी सातवीं भी सरे पेरिस, जोरदार टाली। तारीख जुग्राफिया शहरियत सातवीं ए के लिए सवाल पहला 12वां नंबर। आप लोग अच्छा खेल रहे हैं और जोश पैदा कीजिए, हिम्मत कीजिए, हार मानना नहीं है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। 12वां सवाल, दस्तूर साज मजलिस में कितने अराकीन थे? सातवीं ए जवाब देगी, दस्तूर साज मजलिस में कितने अराकीन थे? बोलिए बोलिए, जो आ रहा है आपको बोलिए, हिम्मत कीजिए। सात। रॉन्ग आंसर, बी और सी को चांस दिया जा रहा है। हराना है सातवीं बी को, अभी नहीं। स्टार्ट। सातवीं सी कितने होते? 299। वेरी नाइस, सही जवाब। दूसरा बोनस पॉइंट सातवीं सी की तरफ। ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए हमने कुरानदाजी का फार्मूला इस्तेमाल किया है। हमारे मुल्क में यौमे जमहूरिया कब मनाया जाता है, किस दिन, यानी यौमे जमहूरिया किस दिन मनाया जाता है, कौन सी तारीख को? 26 नवंबर। रॉन्ग आंसर, उम्मीद नहीं थी सातवीं बी की जानिब से इतना रॉन्ग आंसर आएगा इतने आसान क्वेश्चन का। चलिए ए और सी को चांस दिया जा रहा है, बोलिए नहीं जवाब, आप जवाब कोई नहीं बोलेगा। ए और सी को चांस दिया जा रहा है, स्टिक तैयार रखिए। स्टार्ट। सातवीं। छब्बीस जनवरी। वेरी नाइस, 26 जनवरी पहला बोनस पॉइंट सातवीं ए की तरफ। सातवीं ए की वापसी दिखाई दे रही है, मैं घर वापसी नहीं कहूंगा, क्विज वापसी कहूंगा। सातवीं सी के लिए सवाल, आईन या दस्तूर किसे कहते हैं? आईन या दस्तूर किसे कहते हैं? हम हैं लाजवाब क्विज कंपटीशन। तो माशाल्लाह आपने देखे बहुत अच्छी तरीके से सवाल के जवाब दे रहे बच्चे। तो आप ये देखना है ए ग्रुप की विनर है या बी ग्रुप की विनर है या सी ग्रुप की विनर है, ये आपको कमेंट में बताना चाहिए। इसके अब चौथे पार्ट में हम पूरी मुकम्मल जानकारी देंगे। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।